जिसकी होती है शादी वो बैठता है घोड़े पे और जो मुझसे चलते हैं वो बैठते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ शशि पूनम पेटीएम गर्ल। इस वीडियो का टाइटल है डार्क साइड ऑफ इंस्टाग्राम शशि पूनम पेटीएम गर्ल। आप लोगों को तो पता ही होगा शशि पूनम एक पेटीएम गर्ल हो गई है। इस वीडियो में क्या होने वाला है? इस वीडियो में शशि पूनम की ली गई है बहुत अच्छी तरह से। तो चलते ही फटाफट वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पता है, समझ गए? देखो, एक होती है गलतफहमी और दूसरा होता है थोता घमंड, और इनको हो रहा है थोता वाला घमंड। ओह माय गॉड, तुमसे जलने से अच्छा आग में बैठ के जल जाए। और जला भी उससे जाता है जिसे कोई कंपटीशन हो। कोई भी माँ अपनी बेटी को तुम्हारे जैसा तो नहीं बनाएगी। सो वेलकम बैक बेबीज, आज हम बात करेंगे शशि पूनम के बारे में और साथ में डिस्कस करेंगे पेटीएम गर्ल्स के बारे में। अब तुम्हारा सवाल होना चाहिए भैया जी, कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहते हैं कि पेटीएम गर्ल्स चैट पर चूतिया बनाती है तो ये वीडियो बनाकर। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमारा मेन टॉपिक यही है कि कैसे लोग विल्गुरु को सोशल मीडिया पर बेच के पैसे कमाते हैं और यूथ की ऐसी तैसी करते हैं। देखो यार, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं पूनम को कुछ नहीं बोल रहा। मैं इसके कंटेंट के बारे में और इसके फॉलोअर्स के बारे में बात करूंगा। ना मुझे पूनम से प्रॉब्लम है और ना ही इसके ड्रेसिंग सेंस से प्रॉब्लम है। तो यार लगा लो अपने कानों में महंगे वाले ईयरफोन और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखते हैं बाहर से मजा आएगा। हाँ यही तो है असली कंटेंट, जिसके कारण इसके 7 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बन चुके हैं। इसके 100 में से 70% नहीं 90% नहीं 100% वीडियो ऐसे होते हैं। देखो पूरे कंटेंट में थोड़ी सी वल्गैरिटी चल सकती है, लेकिन वल्गैरिटी में कंटेंट नहीं चल सकता। या तो ये ऐसे वीडियो डालेगी जिसमें ऑडियंस को ट्रिगर्ड करेगी उसको गालियां देने के लिए, या फिर ये ऐसे वीडियो डालेगी जिसमें ये वल्गैरिटी दिखाएगी। इन दो चीजों के अलावा इसका कंटेंट कहीं पे जाता ही नहीं। और तीसरा कंटेंट आता है इसमें जो हेटर्स को गाली देती रहती है। वाह यार, तेरे भी हेटर्स होने लगे। अगर पूनम का कमेंट सेक्शन देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा भारत कितने साल पीछे चल रहा है। बहन चौधों के पास इंटरनेट आ गया लेकिन उसका यूज ये हवस बुझाने के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझसे जलते बहुत हैं। कुछ कुत्ते हैं जो मुझे काट तो नहीं सकते लेकिन भौंकते बहुत हैं। वैसे भी लॉकडाउन होने वाला है तो अब लोगों के पास कुछ भी काम नहीं बचा। अब आखिरी रास्ता बचा है लोगों के पास पूनम जी से जलने का। अरे बहन, बचपन से चूतिया हो या फिर गलतफहमी का टीका लगवाया था जो इतनी ज्यादा गलतफहमी होने लगी? और अगर कोई सच में इसे जल रहा तो भाई तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज जलना बंद कर दे, ये मेरा खून पी जाएगी। तू आके देख ले। नहीं तू क्या चाहे कुछ समझ नहीं आती। हे प्रभु, अवतार लो। आप अवतार नहीं ले सकते तो मुझे तो उठा लो, क्योंकि बैंचों में गाली भी नहीं दे सकता और इसको कुछ बोल भी नहीं सकता। देखो यार, इनसे अच्छे तो वो टिकटॉकर्स होते हैं जो बेचारे लिपसिंग करते हैं या फिर डांस वांस करते हैं। ये तो वो भी नहीं जानती, जब भी किसी गाने का ट्रेंड चलता है वहाँ पे ही अपना आईफोन लेकर आ जाती है और ये सारी हरकतें करने लगती है। और यार जब तुम इसका कमेंट सेक्शन देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भारत की जनता के दिमाग में कितना गंद फैला हुआ है। That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure. शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? अरे बख्शी साहब, इसमें शर्म करने की क्या जरूरत है? ये तो कंटेंट है लोगों की नजरों में। और अगर ये कंटेंट नहीं होता तो उसके 7 लाख और मेरे 7000 फॉलोअर थोड़ी होते। खैर, तुम लोगों को पता है ऐसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कैसे कमेंट आते होंगे? देखो यहाँ पर मैं अनुपम राजपूत वाला चूतिया पकड़ के ये नहीं बोलूंगा कि ये लड़के ऐसे कमेंट करके सही कर रहे हैं, बट एक बात तुम लोगों को भी बता, ऐसे चूतियों को कमेंट करने की हिम्मत कैसे होती है? अगर सिंपल शुद्ध और हिंदी भाषा में समझाऊं तो ये ऐसा कंटेंट डालती है जिस पर हाउसी लोग कंट्रोल। और तुम लोगों को भी बता, जो सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट करते हैं उनके दिमाग में क्या चलता रहता है? बाकी यार समझदार आप लोग भी और मैं भी हूं, तो तुम लोगों को पता है ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन इंडियन गवर्नमेंट से, अगर तुम लोगों ने फोन बैन कर दी तो ऐसे लोगों को बैन क्यों नहीं करते? भारत सरकार का एक सिंपल सा लॉजिक है, तुम प्राइवेट में पोर्न नहीं देख सकते लेकिन पब्लिक में पोर्न से घटिया कंटेंट देख सकते हो। और यही नहीं, इसने फैन ओनली अकाउंट भी बना रखा है जहाँ पर ये कुछ स्पेशल कंटेंट देती है पैसे लेकर। वेल डन,
तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आज हमने ये वाकई साबित कर दिया कि हम सच्चे मुसलमान कहलाने के लायक हैं। ये कोई गेमिंग चैनल या यूट्यूब चैनल नहीं है जो तुम्हें स्पेशल कंटेंट देगा। तुम्हें भी पता है इस प्रकार का कंटेंट क्या होता है। और जब बात अब पैसे लेकर स्पेशल कंटेंट देने की आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, पेटीएम गर्ल्स के बारे में। पेटीएम गर्ल्स बेसिकली ये वो लौंडे होते हैं जो पैसों के चक्कर में हवस के पुजारियों का चूतिया काटते हैं। बेसिकली इनके अकाउंट पर गूगल से उठी कुछ लड़कियों की फोटो रहती है जो इनको भी पता नहीं रहता किन की है, लेकिन ये अपने अकाउंट पे लगा लेते हैं। और इस प्रकार के अकाउंट तुम्हें मीम पेजेस से लेकर सेलिब्रिटी के अकाउंट के कमेंट सेक्शन में मिल जाते हैं, जो कि पोस्ट होने के जस्ट 2 या 3 मिनट के अंदर ही आके बोलते रहते हैं पेड सर्विस अवेलेबल। नॉर्मली ऐसे अकाउंट की स्टोरीज में चैट के स्क्रीनशॉट होते हैं जिसमें ये बताते हैं हमने बहुत पहले डील कर रखी और वो कस्टमर हमसे सेटिस्फाई है। और गौर करने की बात तो ये है कि बहन चौद इंस्टाग्राम में ऐसे अकाउंट को उड़ाता भी नहीं है, कितनी भी रिपोर्ट कर लो। आई नो जब से भारत देश में फोन बैन हुआ वैसे हुआ नहीं, बहुत सारी साइट चल रही है, मैंने भी ट्राई। छोड़ो टॉपिक, पेटीएम गर्ल्स के अकाउंट को चलाने वाले लोगों को एक बात तो अच्छे से पता कि भारत की युवा पीढ़ी में हवस कितनी ज्यादा है और इसी चीज का ये फायदा उठाते हुए लोगों का चूतिया काटते हैं। मैं इस टॉपिक पर पिछले 1 या 2 महीने से रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे ऐसी ऐसी चीजों के बारे में पता चला, अगर मैं तुम लोगों को बता दूंगा तो तुम लोगों को ट्रस्ट भी नहीं होगा। अगर तुम लोगों को ये 5 मिनट का वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं है तो आगे 1 मिनट मेरी ध्यान से बात सुनो। अगर कोई पेटीएम गर्ल यानी कि वो लड़का 150 रुपए के लिए तुम्हें फेक चैट या फेक फोटोज दे सकता है तो क्या भरोसा अगर तुम उसके साथ वीडियो कॉल पे गए और पर्सनल फोटोज तुम्हारी लीक हो गई 150 रुपए के चक्कर में वो तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकता है। बाकी यार तुम लोग भी समझदार हो, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए मैं नहीं बोल रहा कि गाली देना नहीं, गाली देने कोई सोल्यूशन नहीं होता, गाली देने के लिए मैं हूँ। तो अगर तुम्हें ऐसे अकाउंट दिखे तो उनकी रिपोर्ट करो और उनको डिलीट करने का प्रयास करो और अपने भाई बहन या दोस्तों को इन सब चीजों से दूर रखो। और जिन चूतियों को लगता है गाली देना गलत है, बहन चोद तुम्हारा बाप भी गाली देता लेकिन तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने सेक्स नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना। तो बस यार आज की वीडियो में इतना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को बेस्ट कमेंट करना। आई नो आज मैंने ज्यादा लेकिन क्या करूं यार, मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना था। और यार अगर तुम इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लो, और अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैं वहां पे आके बकचोदिया पेलता रहता हूं। गाइस मुझे पता नहीं था, पहले मुझे पता नहीं था शायद पेटीएम गर्ल पूनम सजी पूनम मतलब एक मंथ पहले से मतलब पेटीएम गर्ल बन चुकी है, बट मुझे अभी पता चला था कि मतलब ये पेटीएम गर्ल बन गई है। मतलब इसने ऐसा क्यों किया, मतलब इतने पैसा आने के बाद फिर भी इसने पेटीएम गर्ल बना। गाइस में फिर मैंने सोचा कि चलती है वीडियो देख लेती एक बार पेटीएम गर्ल, तो जब मैं गई तो इसमें 250 रुपये का रिचार्ज लग रहा था। जब उसके मतलब कंटेंट, जब उसके वीडियो देख सकते हैं आप लोग, नहीं तो इसके वीडियो उसमें क्या होता है इससे थोड़ा सिस्टर दिखाती है, उसमें लोगों ने कितने लोग जुड़ गए आप लोगों को पता नहीं है अभी। हे भगवान, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में कि मतलब वो थोड़ा सिस्टर दिखाएगी, लोग उसका रिचार्ज मतलब रिचार्ज करेंगे, खुद का रिचार्ज करेंगे जब उसको स्टार देखने के लिए। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि कजन कब का रिचार्ज कर लिया होगा और अपना मतलब अपना अंदर का हफ्सी अपनी प्यास बुझा रहे होंगे यार। और कैसे कैसे इस दुनिया में लोग होते हैं। और गाइस कैसी लगी वीडियो, और जो मतलब शशि पूनम पेटीएम गर्ल पर ने रोस्ट किया बहुत ही मस्त रोस्ट है, एक नंबर रोस्ट किया है, और जिनको बोलने का स्टाइल था वाह क्या मतलब अमेजिंग, बहुत ही मस्त है। मतलब 6 मिनट की वीडियो में इतना मस्त मतलब रोस्ट गया कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही मस्त रोस्ट गया। आप लोगों को कैसा रोस्ट मतलब कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलती वीडियो को समाप्त करती हूँ, जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।